कांग्रेस सरकार में तो महंगाई कम थी, देखिए बीजेपी में महंगाई तो बहुत है जी, बेरोजगारी बहुत है। वादा तो आम जनता के लिए करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमने भी 15 लोंडियों से वादा किया है निकाह करेंगे, लेकिन अभी तक एक तो किया नहीं। हमने बहुत से वादा किए हैं, चैट में रिपोर्ट लोगे पागल हो जाओगे। उनके मैनिफेस्टो में सबसे पहले शेड्यूल 6 लिखा था, वो अभी तक नहीं हुआ है। 58,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। 50 लाख करोड़ डेट था 2014 तक, आज 2024 है 209 लाख करोड़ रुपए डेट हो गया सिर्फ उनकी सरकार में। 10 सालों में इतना डेट कर दिया है, आगे चल के क्या होगा? बीजेपी को नहीं मौका मिलेगा, कांग्रेस आएगी तो इम्प्रूवमेंट आएगा। मोदी जी के लिए तो नंबर ही नहीं है, क्योंकि 10 साल प्रूफ होने के बाद उनको क्या मिला? कुछ नहीं। अब राहुल को देना चाहिए हम लोग बीजेपी छोड़ के बाद। बीजेपी हम 0-0 भी नहीं देंगे, कट्टन देंगे उसकी। घर पे पुलिस ना है भाई, घर पे पुलिस क्यों आएगी? रात में घर पे पुलिस ना है, पुलिस क्यों आएगी? अबे भाई यार पुलिस, अबे भाई वो उसके खिलाफ जो बोलता है उसको अंदर करा देता है ना भाई यार। ये भी है क्या भाई यार? डर है थोड़ा सा, डर है थोड़ा सा। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पे मौजूद। जो बीजेपी का ऐलान है, जो वादे हैं उस पर चर्चा करेंगे, जो कांग्रेस के वादे हैं उस पर चर्चा करेंगे, और हम लोगों के बीच में जाएंगे बात करेंगे। कांग्रेस सरकार में बेहतर था या बीजेपी? 10 साल उन्होंने भी लिया, 10 साल इन्होंने। कांग्रेस सरकार में तो महंगाई कम थी, देखिए बीजेपी में महंगाई तो बहुत है जी, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी ज्यादा बिल्कुल है, और महंगाई भी आसमान पे। हर चीज, कोई चीज आप देख लीजिए, महंगाई बहुत है। अच्छा, एजुकेशन पर भी बीजेपी फोकस कर रही है, आपको लग रहा है फोकस कर रही है कि बस सिर्फ हवा हवाई? नहीं, हवा हवाई तो ज्यादा लग रहा है, बाकी कहाँ पे फोकस कर रही है आप बताइए? एजुकेशन पर, मतलब कह रहे हैं कि फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो ये फोकस करना हुआ बताइए? आप यूथ हैं, एक यूथ क्या सोच रहा है इस बार? क्या सोच रहा है, मतलब किस बारे में? अरे नौकरी अच्छी मिले, और नौकरी मिलना चाहिए, उस फील्ड में मतलब काम होना चाहिए। बीजेपी फेल है क्या रोजगार देने में? वहाँ नहीं दे पा रही, इससे तो इस बार यूपी जो यूपीपी का पेपर हुआ था लीक हो गया, उसमें कुछ है ही नहीं। और देश में परिवर्तन हो रहा है, मोदी जी जा रहे हैं, 5 साल और मांग रहे हैं मोदी जी। अरे उनको कहने दो, इस बार जाएंगे, कांग्रेस आएगी तो इम्प्रूवमेंट आएगा इस बार। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो इम्प्रूवमेंट आएगा कुछ ना कुछ? हाँ, वो यूथ के लिए बहुत बढ़िया करेगी। कांग्रेस यूथ के लिए बढ़िया है, बीजेपी छोड़ के सब बढ़िया है। बीजेपी छोड़कर क्यों? मतलब वादा तो आम जनता के लिए करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमने भी 15 लोंडियों से वादा किया है निकाह करेंगे, लेकिन अभी तक एक तो किया नहीं है। हाँ, छठी से घर वाले करा रहे हैं। अच्छा, छठी से करवा रहे हैं। हमने बहुत से वादे किए हैं, चैट में रिपोर्ट लोगे पागल हो जाओगे। मतलब एक यूथ जो है कई लड़कियों से वादा करता है और शादी एक से करता है, लेकिन उसके बाद तो लड़की भी नहीं है ना, ना उसके बाद ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, कुछ नहीं है उसके बाद। वो तो रंडवा है, उसको मिली नहीं कुछ, उसको मिली नहीं। हाँ, वो तो रंडवा, हमें मिली लेकिन वादा करे ना, लेकिन वादा पूरे नहीं किए। जो वादा किए थे वो तोड़ने के लिए पूरे किए। अच्छा, तो यही हाल है मोदी जी का, वादा कर रहे हैं टूट रहा है, और योगी दोनों का है, और एक अमित शाह। हाँ, उसका भी मेन तो वही है, मेन वही है, मेन वही है, अमित शाह। अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी में अगर बात किया जाए तो मोदी जी को कितना नंबर देना पसंद करेंगे और राहुल गांधी को? देखिए, वहाँ पे मोदी जी के लिए तो नंबर ही नहीं है, क्योंकि 10 साल प्रूफ होने के बाद उनको क्या मिला? आपको कुछ नहीं। अब राहुल को देना चाहिए हम लोग को कितना नंबर? उनको भी तो समझ देना चाहिए, उनको भी समझेगा। कितना नंबर देंगे राहुल गांधी को? मेरे में से कितना नंबर? 100 में से 90 देंगे। 100 में से 90% आप देंगे? हाँ। आप कितना देंगे राहुल गांधी को? हम 9 देंगे, 10 में 9 देंगे। 10 में 9, आप कितना देना चाहेंगे? भाई 100% है, बीजेपी छोड़ के बाद। बीजेपी हम 0-0 भी नहीं देंगे, कट्टन देंगे उसकी माँ की यहाँ, कट्टन भाई। और भाई घर पे पुलिस ना है भाई, घर पे क्यों आएगी? रात में घर पे पुलिस ना है, पुलिस क्यों आएगी? अबे भाई यार पुलिस, अबे भाई वो उसके खिलाफ जो बोलता है उसको अंदर करा देता है ना भाई यार। ये भी है क्या भाई यार? डर है थोड़ा सा। देखिए, हम घंटा घर में है और यहाँ पर माहौल कुछ अलग है। यहाँ पर राहुल गांधी और मोदी की अगर बात किया जाए तो नंबर राहुल गांधी को कितना नंबर देंगे और मोदी को कितना नंबर? 10 में से राहुल गांधी को 10 में से 10, मोदी को 0 0 0, 10 में से 10। मोदी सरकार चाहिए ही नहीं, मोदी सरकार देसी में नहीं चाहिए, दुनिया ही में नहीं चाहिए। अब समाप्त है, समाप्त। उनके मैनिफेस्टो में सबसे पहले शेड्यूल 6 लिखा था, वो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक धरने पे बैठे हैं भाई, माइनस टेम्परेचर में धरने पे बैठे हैं लोग, और उनसे यही वादा करके उनसे वोट लिया गया था 6 शेड्यूल के चक्कर में। अभी तक वो शेड्यूल लागू नहीं हुआ है, धरने बैठे अभी तक, धरने पे आज की डेट में, इस रात में भी वो धरने पे बैठे हैं।
सिर्फ उनसे वादा करके जिसपे जिसके बिहार पे वोट लिया गया था वो तक नहीं पूरा हुआ, बाकी काम ये गिना दे। 2014 तक 49 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर डेट था, सही है, देखिए 2 मिनट, 49 लाख करोड़ डेट था 2014 तक। आज 2024 है, 209 लाख करोड़ रुपए डेट हो गया सिर्फ उनकी सरकार में। 10 सालों में इतना डेट कर दिया है, आगे चल के क्या होगा 10 साल में? 10 साल, लेकिन 70 साल को लेकर कोसते हैं कि कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। 70 साल में तो 50 लाख ऑलमोस्ट रख लिया डेट था ना। 10 सालों में तुमने इतना बढ़ा दिया, 150-160 लाख करोड़ रुपए डेट कर दिया, 58,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। और जो कहते हैं कि सरकार गौरक्षक है ना, गौरक्षक है ना मोदी, बिल्कुल गौरक्षक है। 300 कुछ करोड़ रूपए बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से उन्हीं ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत वो लिया है, ले लिया फंड लिया है, तो वो कहाँ से रक्षा कर रहे हैं को हत्या करने वालों से, एक्सपोर्टर से, बीफ एक्सपोर्टर से पैसे ले लिए। हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए मोदी जी ने, योगी जी ने, बीजेपी पार्टी ने। अच्छा, जिस दवाई को बैन कर दिया गया था उससे भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया गया? एक दवाई बैन नहीं की गई है, बल्कि उनसे फंड लिया गया और उनको जेल से रिहा कर दिया गया। उनके ऊपर के केस चार्जशीट खत्म कर दी गई। क्या लगता है उनके पास कोई वॉशिंग मशीन वगैरह है क्या? हाँ, वॉशिंग मशीन। आप सही जा रहे हैं। उनके पास डिटर्जेंट है, मोदी वाला। हाँ, मोदी वाला डिटर्जेंट। जैसे होता है कि दाग धब्बे हटाए वो क्राइम हटाती है, क्राइम हटाती है। आपके ऊपर से सारे क्राइम गायब, घोटाला हटा देती है, सारे घोटाले हटा देगी। अगर जो उनको फंड देगा उसके। अच्छा, एक बात और है, आप काफी जानकार लग रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आज का युवा कुछ बोल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अब आपको चुनाव करना है, जैसे कि एक तरफ मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया ज्यादा आ गए हैं, मंगलसूत्र खतरे में है। क्या लग रहा है दोनों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? आप ये जान लिए, 24,000 रुपए तोला में सोना था, आज 76,000 रुपए में सोना है। मंगलसूत्र किसने छीना है उनकी सरकार में? किसने मंगलसूत्र